हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, हम एम्ब्रियोलॉजी चैप्टर यूनिट हम कर रहे थे। उस एम्ब्रियोलॉजी यूनिट में हमारा चैप्टर है एम्ब्रियोजेनेसिस इन ह्यूमन, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगॉट बाय सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है? सेल डिवीजन और डिफरेंशिएशन के थ्रू हमारा जायगॉट जो है वो क्या फॉर्म करता है? एम्ब्रियो फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहले क्या होता है एम्ब्रियोजेनेसिस? एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है? एम्ब्रियो फॉर्म होगा जायगॉट से। और जायगॉट कैसे बनता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। और मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो ह्यूमन बींग है उसमें कहाँ कंप्लीट होता है? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और क्या बनाता है? हमारा जायगॉट बनाता है। ये जायगॉट जो है माइटोटिकली डिवाइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं। माइटोटिकली डिवाइड जब होता है हमारा जायगॉट तो क्या होता है? सेल का नंबर जो है वो इंक्रीज होता है, बट सेल साइज जो है वो रिमेन सेम रहती है। सेल साइज तो सेम रहेगी लेकिन सेल का नंबर जो है, जैसे कि सेल जो है, ये सेल है तो इसमें ये डिवाइडेशन चलता रहेगा। ऐसे पहले 2 सेल स्टेज आई, 4 सेल स्टेज आई, 8 सेल स्टेज आई, लेकिन सेल का जो साइज़ है वो क्या रहा? सेम रहा। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जायगॉट बना। ये जायगॉट माइटोटिकली डिवाइड हुआ और इसने क्या किया? क्लीवेज किया, जिसे कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। और जैसे ये 2 सेल माइटोटिकली डिवीजन चल रहा है, क्लीवेज चल रहा है, ये क्लीवेज के थ्रू क्या आई? 2 सेल स्टेज आई। 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज आई। 4 सेल के बाद हमारी 8 सेल स्टेज आई। और 8 सेल स्टेज के बाद क्या आई? 16 सेल स्टेज आई, जिसे हम क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि क्लीवेज हुआ, क्लीवेज से जायगॉट में 2 सेल स्टेज आई, 2 के बाद 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे डिवीजन चलता रहता है जायगॉट में और एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। 16 सेल स्टेज को हम कहते हैं मोरूला। इसमें जो आउटर लेयर है इसकी वो कहलाती है जोना पेलिसेटा। जोना पेलिसेटा जो होती है वो एम्ब्रियो को जो है यूट्रस में ही इम्प्लांट होने देती है और ना ये कहीं और इम्प्लांट नहीं हो जाए, इसको क्या करती है? प्रिवेंट करती है हमारी जोना पेलिसेटा जो मोरूला में आउटर लेयर होती है, ठीक है। 16 सेल स्टेज हम मोरूला और 32 सेल स्टेज जो है वो कहलाती है ब्लास्टुला कहलाती है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला फ्रॉम मोरूला इज नोन एज ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन ब्लास्टुला जो होता है कौन सा स्टेज होती है? 32 सेल स्टेज होती है। अब ब्लास्टुला को या ब्लास्टुलेशन जो प्रोसेस है उसको डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मोरूला जो है वो यूटराइन कैविटी में पहुंचता है और यूटराइन कैविटी में पहुंचने के बाद क्या बनाता है? ब्लास्टुला स्टेज आती है। हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ एम्ब्रियोनिज्म में, पर 2 सेल स्टेज आई, फिर 4 सेल स्टेज आई, फिर 8 सेल स्टेज, फिर 16 सेल स्टेज, ये सब कहाँ चल रहा था? फैलोपियन ट्यूब में ही सेल डिवीजन चल रहा था, क्लीवेज चल रहा था, ठीक है। इसके बाद हमारा मोरूला जो है वो मोरूला स्टेज तक ये जो है फैलोपियन ट्यूब को ट्रैवल करके कहाँ आ जाता है? हमारा मोरूला आ जाता है यूट्राइन कैविटी में। और यूट्राइन कैविटी में क्या होता है? ब्लास्टुला बनाता है 32 सेल स्टेज जो है। और ब्लास्टुला में ब्लास्टुला जो है हमारे कहाँ से यूट्राइन वॉल से आकर अटैच हो जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? इम्प्लांटेशन, ठीक है। उसके बाद यूट्रस में इंसर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्पोजिशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन और इम्पोजिशन जो है टर्म्स फिर आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर यूट्राइन वॉल से अटैच हुआ है हमारा जो एम्ब्रियो है इसे कहा हमने इम्प्लांटेशन और इंसर्ट हो गया यूट्रस में तो हमने इसे कहा इम्पोजिशन। ब्लास्टुला जो है उसमें 2 टाइप्स की सेल्स मिलती है, आउटर लेयर जो है वो हमारी कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर जो लेयर है सेल्स का ग्रुप कहलाता है इनर सेल मास। इम्पोजिशन के बाद जो हमारे सेल्स हैं वो 2 टाइप्स के सेल्स में डिवाइड हो जाती हैं। जो आउटर लेयर है वो उसकी कहलाती है ट्रोफोब्लास्ट और जो इनर जो है लेयर सेल्स की वो कहलाती है इनर सेल मास। और एक कैविटी डेवलप हो जाती है इसके अंदर जिसे कहते हैं हम ब्लास्टोसीन, ठीक है। और ये 3 जंप लेयर्स जो है इसके अंदर बनती है इम्पोजिशन के बाद। 3 जंप लेयर्स बनती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और
हेलो स्टूडेंट्स, हमने देखा ब्लास्टुला स्टेज आई, 32 सेल स्टेज, उसके बाद हमारा आया गैस्टुला फॉर्म हुआ। वो गैस्टुला जो है, उस गैस्टुला के अंदर थ्री लेयर्स फॉर्म होती है। हमने देखा एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जो है हमारे डिफरेंट जो ऑर्गन्स है बॉडी में, वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के थ्रू ही फॉर्म होते हैं। एक्टोडर्म जो लेयर है हमारी बॉडी में, हमारी एपिडर्मिस जो हमें दिख रही है ये स्किन एपिडर्मिस, ये कौन फॉर्म करती है? एक्टोडर्म फॉर्म करती है। हमारी आय जो है वो भी किसने फॉर्म की है? एक्टोडर्म ने फॉर्म की है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, एड्रिनल मेड्यूला, हाइपोथैलेमस, जो भी ब्रेन का पार्ट है वो किसने फॉर्म किया है? हमारे एक्टोडर्म लेयर ने। मेसोडर्म लेयर ने हमारे डर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर है? डर्मिस, वो किसने फॉर्म किया? मेसोडर्म ने। कनेक्टिव टिश्यू जिसमें हमारा ब्लड, प्लाज्मा ये सब आता है, वो किसने फॉर्म किया है? हमारे मेसोडर्म ने। मस्कुलर टिश्यू जिसमें मस्कुलर टिश्यूज में हमारे सारे आ जाते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स आ जाती हैं, स्मूथ मसल्स आ जाती हैं, कार्डियक मसल्स आ जाती हैं, वो सब किसने फॉर्म किया? मेसोडर्म ने। हार्ट, हमारा ब्लड वेसल्स, किडनी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है हमारी, स्प्लिन है, नोटोकॉर्ड जो है हमारी, और टीथ जो है, टीथ की जो डेंटाइन है वो किसने फॉर्म किया है? मेसोडर्म लेयर ने। ये फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, मतलब फेट मीन्स हमारे कौन सी लेयर कौन से ऑर्गन्स फॉर्म की करेगी, वो सब क्या कहलाता है? फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। फिर हमारे एंडोडर्म लेयर जो है वो क्या क्या फॉर्म करती है? वो टंग फॉर्म करती है, हमारी लंग्स, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई फॉर्म करती है, गैस्ट्रिक हमारे जो इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, और हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कौन फॉर्म करता है? एंडोडर्म फॉर्म करती है, लंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई, यूरिनरी ब्लैडर, गिल्स, लिवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड, थाइमस, मिडल ईयर, वजाइना की लेयर एंड यूरेथ्रा, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब कौन फॉर्म करती है? हमारी एंडोडर्म फॉर्म करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, कि कौन कौन सी लेयर, कौन कौन से ऑर्गन फॉर्म होती है। तो आ जाएगा प्रोसेस सेल डिफरेंशिएशन, या कहते हैं सेल स्पेशलाइजेशन। जब एक बार गैस्ट्रुला स्टेज आ जाती है, मतलब सेल स्पेशलाइजेशन या डिफरेंशिएशन हो जाता है, उसके बाद अगर हम एम्ब्रियो को डिवाइड करें तो वो पार्ट जो होगा वो फॉर्म नहीं होगा। अगर सेल डिफरेंशिएशन जब तक नहीं हुआ है, जब तक ये तीनों लेयर्स फॉर्म नहीं हुई है हमारे एम्ब्रियो के अंदर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तब तक एम्ब्रियो के कितने भी पार्ट कर दिए जाएं, उतने ही क्या हो जाएंगे? नए एम्ब्रियो जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ जब 32 सेल स्टेज के बाद जब गैस्ट्रुला स्टेज आ गई है और तीनों लेयर्स जो हैं एम्ब्रियो के अंदर फॉर्म हो गई है, उसके बाद अगर एम्ब्रियो का कोई पार्ट किसी वजह से रिमूव हो जाता है, तो उसके अंदर वो ऑर्गन फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि गैस्ट्रुला स्टेज में सेल स्पेशलाइजेशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये डिसाइड हो चुका है कि अब कौन सा पार्ट एम्ब्रियो के अंदर कौन सा ऑर्गन फॉर्म करेगा। ठीक है, यह है हमारा फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। डेवलप होना, लंग्स और किडनी
फर्टिलाइजेशन हो गया वनडे के अंदर, टू सेल्स के जाएंगे हमारे 2 डेज के अंदर, और मॉर्गन हमारा 3 डेज के अंदर, ब्लास्टोसिस जो है वो 4 डे में, इम्प्लांटेशन कम्प्लीट हुआ हमारे 8 डे में, और सेकेंड वीक में एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक जो मेम्ब्रेन सेल डेवलप हुई प्रीमैच्योर स्टेज हुई 14 डे में, और थर्ड टू फोर्थ वीक में एंड्रोडम एंड मेसोडम लेयर्स फॉर्म हुई, न्यूक्लिएशन हुआ 20 डे में, और हार्ट बीट स्टार्ट हुई 28 डे में, ब्रेन लंग्स और किडनी डेवलप हो जाते हैं हमारे 1 मंथ के अंदर। नेक्स्ट है थर्ड टू सिक्स वीक में एंडोडर्म एंड मेसोडर्म जो है वो कौन से वीक में डेवलप होती है, थर्ड वीक में डेवलप होती है एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। न्यूरुलेशन जो होता है, न्यूरुला का फॉर्मेशन 23 डे होता है, हार्ट बीट जो स्टार्ट होती है वो 28 डे होती है, और ब्रेन जो डेवलप होता है और लंग्स और किडनी डेवलप होती है वो कौन से वीक में होती है, 6 वीक तक हो जाती है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ तक। एंडोडर्म और मेसोडर्म जो डेवलप हो गई थर्ड वीक में, न्यूरुलेशन न्यूरुला का फॉर्मेशन जो है वो 20 डे स्टार्ट हो गया, हमारी हार्ट बीट जो है वो 28 डे तक स्टार्ट हो जाती है, और ब्रेन डेवलप्स और लंग्स और किडनी जो है डेवलप हो जाती है 6 वीक तक। उसके बाद 6 to 8 वीक में एक्सटर्नल ईयर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, RBCs डेवलप हो जाती हैं, डायफ्राम का फॉर्मेशन हो जाता है, एल्बो एंड फिंगर्स डेवलप हो जाती हैं, और 7th वीक तक हमारे बोन फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा रहा 8th वीक तक का एम्ब्रियो में डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। 9 मंथ्स तक है जो है वो एम्ब्रियो जो होता है वो कहाँ रहता है, यूट्रस में रहता है, और 9 मंथ के बाद पार्चुरेशन प्रोसेस होती है, इसके थ्रू जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है उसकी वजह से मदर के यूट्रस में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन चलते हैं, जिसकी वजह से वो जो एम्ब्रियो होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है, जिस प्रोसेस को कहते हैं हम पार्चुरेशन। तो अब तक देख रहे हैं हम 8th वीक तक हमारा एम्ब्रियो में कितना डेवलपमेंट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारे 2 मंथ का जब एम्ब्रियो है उसमें वो जो है वो स्मॉल ह्यूमन का शेप ले लेता है, उसमें आईलिड्स जो हैं वो डेवलप हो जाती है, और जो ऑल एम्ब्रियोनिक पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं 12 वीक तक, 9 to 12 वीक तक एम्ब्रियो में, मतलब थर्ड मंथ का जब एम्ब्रियो है तो वो उसका वेट इंक्रीज हो जाता है, उसमें जितने भी एम्ब्रियोनिक पार्ट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, थंब जो है वो सक करने लग जाता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल और फीमेल होगा या फीमेल होगा उसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो 3rd मंथ तक हो जाता है, क्योंकि फीमेल में क्या बनती है, बार बॉडीज़ बनती है, उस बार बॉडी की प्रेजेंस की वजह से आइडेंटिफिकेशन हो जाता है कि वो मेल है या फीमेल है। और 3rd to 4th मंथ में टेस्ट बर्ड्स डेवलप हो जाती हैं, टीथ डेवलप हो जाते हैं, और फिटस का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसे फीमेल फील करती है उसे कहते हैं क्विकनिंग, ठीक है। तो ये था हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेजेस का डेवलपमेंट 4th मंथ तक। हमने देखा कि कैसे फर्स्ट डे से लेकर फर्स्ट डे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब विद इन 24 to 30 डेज जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो है हमारा 4 मंथ तक कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। फोर टू सिक्स मंथ का जो एम्ब्रियो होता है उसमें ऑडिटरी ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल ईयर जो है वो डेवलप हो जाते हैं, हेयर जो हैं वो हेड पर स्टार्ट हो जाते हैं अपेयर होना 6 मंथ तक, और डिफरेंट ग्लैंड्स जो होती है वो फॉर्म हो जाती हैं, लंग्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद रेस्पिरेशन के लिए 6 to 10 बर्थ, मतलब 6 से लेकर 9 मंथ तक जो है ब्रेन डेवलप हो जाएगा, वेट इंक्रीज होगा, ब्राउन फैट जो है वो डेवलप हो जाएगी। ब्राउन फैट के डेवलप होने से क्या होगा, ब्राउन फैट डेवलप होने से उसका वेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और एल्वोलाई जो है वो लंग्स में डेवलप हो जाएगी, और उसके ब्राउन फैट के डेवलप होने से दूसरा है कि उसका टेम्परेचर जो है रेगुलेशन में उसको कन्वीनियंट होगा, लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस थी, यहाँ हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोजेनेसिस में हमने देखा कि कैसे एम्ब्रियो का फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, उनमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, कैसे माइटोटिक डिवीजन करता है वो, कैसे इम्प्लांट, कैसे फैलोपियन ट्यूब से लेकर के फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूट्रस में आता है, यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद वो क्या होता है 3 लेयर्स फॉर्म होती है, और वो एक्टोडर्म मेसोडर्म एंडोडर्म जो है वो एम्ब्रियो में डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं
वो फॉर्म करती है। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में, मोस्ट पॉइंट जो है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।